माने अनौसिर, अब क्या माना करेंगे, अल्लाह का दोस्त माना करें, वलीउल्लाह अला इन औलिया अल्लाह का माना है, अब बेशक बिला शुबा अल्लाह के औलिया, खबरदार हो जाए अल्लाह के दोस्त। अब एक माना ये भी आता है अला इन औलिया अल्लाह का माना है बिला शुबा, खबरदार हो जाओ बिला शुबा अल्लाह के मददगार जो होते हैं वो बेखौफ और बेगम होते हैं, ये भी माना आएगा ट्रांसलेशन में। ये तशरीह नहीं, ट्रांसलेशन तर्जमा। प्रोफेसर साहब हैं, लेक्चरर साहब हैं, और कीजिए, मैं शराह नहीं करता, शराह आप मर्दूद है, ये है वो है बोलेंगे, तर्जमा अरबी का कि वली का माना दोस्त के भी है, वली के माने मदद करने वाले का भी है। अल्लाह शिर्क से सबसे ज्यादा बेजार है, फिर ये लफ्ज क्यों रखा? और अल्लाह का मददगार से मुराद क्या, अल्लाह की कोई मदद करता है? माल अल्लाह नहीं, हर एक की मदद अल्लाह करता है। अरे हर एक तो एक है, मुस्तफा का भी मददगार अल्लाह है, वो मुस्तफा जो हजदा हजार आलम के मददगार हैं, जो हर मखलूक के मददगार हैं, उस मुस्तफा का भी मददगार अल्लाह है, अल्लाह का कोई मददगार नहीं। फिर औलिया अल्लाह का माना निकलेगा अल्लाह के मददगार से मुराद जैसा के रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का माना क्या है, अल्लाह के भेजे हुए, रसूलुल्लाह का माना क्या है, अल्लाह की तरफ से। तो हुजूर रसूलुल्लाह है नहीं है, हुजूर हमारे रसूल है नहीं है, हमारे रसूल हैं बोले तो क्या माना, हमारे भेजे हुए, हमारी तरफ भेजे हुए, अल्लाह के रसूल हैं से मुराद अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। हुजूर हमारे नबी हैं नहीं है, हमारे नबी के माने का हमें खबर देने वाले, हमें गैब की खबर देने वाले। हुजूर नबीउल्लाह है नहीं है, हुजूर नबीउल्लाह से मुराद अल्लाह को खबर देते, अल्लाह की तरफ से खबर लेकर देने वाले। इस तरह औलियाउल्लाह से मुराद अल्लाह के मददगार से मुराद अल्लाह की तरफ से हमारी मदद करने वाले, नहीं तो फिर क्या माना करेंगे। अगर कोई गैर कौम पूछे आपसे कि आपके कुरान में, अगर कोई गैर कौम पूछे, हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे, आप जबान बंद करो, कुरान के खिलाफ बोलते क्या? हम कुरान के खिलाफ बोलना तो दूर की बात सोचते भी नहीं, सोचना तो दूर की बात ख्वाब में भी सोचते नहीं, ख्वाब में भी कुरान हम पर सल्तनत करता है, सुभान अल्लाह, रसूल हम पर हुकूमत करते हैं, ख्वाब में भी हम रसूल के खिलाफ सोचते नहीं, करते नहीं। मालूम हुआ लोग बोलते हैं रसूल मजबूर हैं, अरे देखो मुसलमानों के ख्वाबों में भी रसूल की मुखालफत नहीं होती, क्या माना, ख्वाब में भी मुस्तफा की हुकूमत है। तो अल्लाह के खिलाफ हम सोचते नहीं भाई। अब कोई गैर कौम है वो आपसे पूछता है कि देखो तुम्हारे किताब में ये लफ्ज़ है वलीउल्लाह, औलियाउल्लाह अल्लाह के दोस्त, इसका एक मीनिंग ये भी है अल्लाह के मददगार, तो यूं लगता है अल्लाह भी मदद लेता है। तो जब तुम्हारा खुदा ही मदद लेता है वो क्या हमारी मदद करेगा, ऐसा कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो ये बोलेंगे आपके अल्लाह के मददगार से मुराद अल्लाह की तरफ से हमारे मददगार बोलेंगे, तो समझेगा वो मुस्लिम हो जाएगा। क्यों ये मददगार हो गए, एक सवाल पैदा हुआ, बंदे हैं, ख्वाजा अजमेरी बंदे हैं, औसे आज़म बंदे हैं, मददगार कैसे हो गए? पहला लफ्ज़ बता रहा है वलीउल्लाह है ना, अल्लाह से करीब हैं, जिससे करीब होंगे आप उसका असर आप लेंगे, जिसकी सोहबत में आप रहेंगे उसका असर आप जरूर लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो या आप में या उनमें नक्स है, दोनों में कमाल है, आप में लेने की सलाहियत है, उनमें देने की सलाहियत है, जरूर असर लेंगे। या वली अल्लाह का वली भी कामिल, अल्लाह तो अल्लाह है, तो करीब जिसके रहेंगे। देखिए फूल हैं, फूल में खुशबू है, ये कपड़े से करीब हो गया, कपड़ा उससे करीब हो गया, अब कपड़े में खुशबू है, कपड़े में खुशबू है, बर्फ के बाजू आप बैठे हुए हैं, आप में ठंडक रहेगी कुर्ब की वजह से, आग के करीब आप बैठे हुए हैं तो आप में तपिश रहेगी, गर्मी रहेगी आग की वजह से, है ना, तो जिससे आप कुर्ब हासिल करेंगे उसका असर लेंगे। ख्वाजा अजमेरी अल्लाह के करीब हो गए,
बोलो आप में असर है, इनमें असर है, उनमें असर है, अल्लाह की तासीर नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मैं सबसे ज्यादा तासीर मेरी है। हकीकत में तासीर तो अल्लाह ही से होती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तासीर ही नहीं होती। तो अल्लाह फरमाता है ये क्यों मददगार हो गए, अल्लाह बता रहा है मुझसे करीब है ना। ख्वाजा अजमेरी कैसे मददगार, मुझसे करीब है। बेखौफी और बेगमी ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह को खौफ भी नहीं, गम भी नहीं। खौफ और गम अल्लाह को है क्या? अल्लाह की सिफात। किसके सिफात हैं? अल्लाह के सिफात। अल्लाह ने नहीं फरमाया अल्लाह को अल्लाह बेखौफ है बेगम है, अल्लाह के औलिया बेखौफ है बेगम है बोलता है। खुद बेखौफ है बेगम है बोलता है, मेरे औलिया बेखौफ हैं बेगम हैं। तो ये सिफात बेखौफी और बेगमी अल्लाह में है ना, खुद से है। औलिया उल्लाह में खुदा से है। देखिए मां, इसी तरह मदद करना अल्लाह का में खुद से है, मदद करना ख्वाजा अजमेरी में खुदा की मदद से है। जैसा जिंदा रहना अल्लाह में खुद से है, हम भी जिंदा हैं अल्लाह की मदद से हैं। फर्क समझ में आ गया? खुद से कोई गैर अल्लाह देता है दिलाता है बोले काफिर मुशरिक हो जाएंगे, और खुदा से लेकर देता है दिलाता है बोलेंगे तो मोमिन ही रहेंगे आप। तो अल्लाह ताला की सिफात हैं बेखौफी और बेगमी, अल्लाह की सिफत है ना। नहीं, किसे दिया है अल्लाह ने? औलिया उल्लाह को, अपने दोस्तों को। आप याकूब साहब, याकूब साहब है ना आपका नाम, याकूब साहब अपने दोस्त को कुछ देकर ऐलान करते नहीं, बोलते नहीं। अपने दोस्त को कुछ दिए, खाजी साहब को कुछ तोहफा दिए, सब लोगों में बोलते आप खबरदार हो जाओ इतने पैसे खाजी साहब के पास हैं। ऐसा दोस्त को कुछ देते तो छुपाते हैं। अल्लाह ने अपने दोस्तों को बेखौफी और बेगमी अता की, बोलता है। अता करने के बाद बोलता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला। और ये दो चीजों की फिक्र में सारी मखलूक है, सब बेखौफ और बेगम रहना चाहते हैं, सबको इस फिक्र में डाल दिया। क्या है देखिए, हर एक अब जितने बैठे हैं यहाँ सबको क्या चाहिए? बेखौफी चाहिए, बेगमी चाहिए। देखिए क्या चाहते हैं, बेखौफी और बेगमी अल्लाह ने गैरुल्लाह, गैरुल्लाह को चाहते हैं सब, और सब मोमिन हैं बंदे अल्लाह के, और गैरुल्लाह को चाहते हैं। बेखौफी चाहिए भाई, बेगमी चाहिए, ये दोनों मखलूक हैं। अल्लाह ने हमारी बेखौफी हमारी बेगमी ये मखलूक है, ये अल्लाह ने ये चाहिए, सबको चाहिए ना। सबको इसकी फिक्र में लगा दिया, सबको इसका तालिब बना दिया इन दो चीज़ों का, और ये दो चीज़ें औलिया के पास रख दिया। क्या मकसद है? और ऐलान करता है ये दो चीज़ें चाहिए, अला खबर ले लो ये मेरे औलिया के पास है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबर ले लो ए बेखबर रहने वालो, बेखौफी और बेगमी के लिए दर बदर मारे मारे फिरने वालो, बेखौफी और बेगमी चाहिए बहरुल उलूम के पास आ जाओ, बेखौफी और बेगमी चाहिए ख्वाजा अजमेरी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, बेखौफी और बेगमी चाहिए गौस के हो जाओ। तो क्यों आप किसी को देकर दोस्त को देकर बोलते नहीं? अल्लाह बोलता है सबसे वजह क्या, सबको औलिया से मांगने वाला बनाना चाहता है। इसलिए ऐलान करता है दोनों चीजें सबको चाहिए ना, ये यहाँ है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बाखबर हो जाओ बेशक औलिया अल्लाह जो होते हैं वो बेखौफ होते हैं और बेगम होते हैं। ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीउल्लाह हैं, ये उनकी विलायत को उनसे मांगने वाले भी मानते हैं, उनसे ना मांगने वाले भी मानते हैं। सब यही बोलते हैं कि वलीउल्लाह हैं, है ना। तो वलीउल्लाह हैं सब मानते हैं, अगर नहीं मानते बोले तो फिर मानने पर हम मजबूर करेंगे किताब और सुन्नत की रोशनी में।
مانگ سب مانتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں، ہم سب ان سے مانگنے والے اور انہیں ولی ماننے والے، اور جو لوگ ان سے مانگتے نہیں، مانگنے کو شرک کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ولی تھے، نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو ولی تھے نا، تو اتنا آپ مان گئے. اللہ فرماتا ہے بے خوفی اور بے غمی تمہیں چاہیے ان کے پاس ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے خبردار ہو جاؤ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں، انہیں خوف بھی نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا یہ بے خوفی اور بے غمی آخرت کے ساتھ خاص نہیں، یعنی اولیاء اللہ آخرت میں بے خوف رہیں گے، بے غم رہیں گے، ایسا نہیں. اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم فی الآخرۃ ولا هم یحزنون، آخرت کا ذکر نہیں ہے. جہاں بھی رہتے ہیں بے خوف اور بے غم رہتے ہیں، یہ ہماری تحقیق ہے. آخرت کے ساتھ خاص نہیں، اسی لیے خدا نے آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خوشخبری سن سن کر ڈرتے رہتا کوئی؟ خوشخبری سن سن کر غمزدہ ہو جاتا ہے؟ تو دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری. تو یہ بے خوفی اور بے غمی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. آپ کو خوشبو چاہیے تو پھولوں سے قریب ہو جاؤ، عطر سے قریب ہو جاؤ، علم چاہیے تو علماء سے قریب ہو جاؤ، مال چاہیے تو مال والوں سے قریب ہو جاؤ، آپ کو ہنر چاہیے تو ہنر والوں سے قریب ہو جاؤ، آپ کو بے خوفی اور بے غمی چاہیے تو اولیاء اللہ سے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اہل اللہ سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا